हमारा यार जिसको ढूंढा गली गली वो यहाँ लेटा है खाली पीली। ओए सकेला क्या कर रहे हो? देख नहीं सकता क्या सो रहा हूँ और गहरी नींद में भी हूँ। लेकिन थकेले तुम तो कहते हो थकेला कभी थकता नहीं लेकिन जब देखो सोते रहते हो। हाँ इसलिए तो थकता नहीं हूँ। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो सोने दो ना। कहाँ थे तुम दोनों सुबह से और पकेला कहाँ है? नीचे आ रहा है। मतलब कहाँ से? कमर तोड़ दी मेरी। सॉरी बॉस भूल से मिस्टेक हो गई। नहीं मिस्टेक से गलती हो गई। चुप रहो ये फुटबॉल किसकी है? बॉस आपको तो पता होगा ना आप ऊपर से लेकर आए हैं। वाह आपने हमारे फुटबॉल का क्या कैच किया है। हाँ सीधा हवा में जंप मार कर। तुम्हें दिखाई दिया? हाँ थैंक यू वरना पता नहीं इसे ढूंढने कहाँ जाना पड़ता। लाइए हमारे फुटबॉल दे दीजिए। हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप लोग अपसेट हो क्या? तुम्हारे पास गम है? बताओ हमें कि क्या गम है। आपको कैसे पता चला कि हम अपसेट हैं? आप हो कौन? हम हैं दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के लिए गोस्ट। ये हमारे भूत बॉस जो करे हर बुराई का लॉस। क्या? घबराओ नहीं हम फ्रेंडली और हेल्पिंग भूत हैं और तुम लोग हमें इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि तुम लोग जरूर कुछ परेशान हो। हमारी परेशानी है कि हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं पर खेल नहीं पाते। पर क्यों? रोहित भैया और उनकी टीम है ना वो हमेशा कहते हैं तुम बच्चे हो और बच्चे बड़ों के साथ नहीं खेलते क्योंकि तुम्हें खेलना नहीं आता। हम खेलते हुए जब थक जाए ना तब तुम बच्चे लोग हमें पानी पिलाओ हमारे शूज संभालो हमारी किट संभालो ठीक है? ऐसे तो हम फुटबॉल का टच भी नहीं कर पाएंगे। टच कर पाओगे ना जब फुटबॉल दूर जाएगी तुम लोग उठा के लाओगे तब टच तो करना पड़ेगा ना। इस तरह छोटे बच्चे को ना खिलाना अच्छी बात नहीं है। आयुष तुम लोग कहीं फुटबॉल तो नहीं खेल रहे थे? हाँ हम खेल रहे हैं फुटबॉल। तुम भूल गए क्या? मैंने बताया था तुम बच्चे हो और बच्चे बड़ों के साथ फुटबॉल नहीं खेलते। रोहित भैया फुटबॉल बड़े या बच्चे नहीं जिन्हें खेलना आता है वो खेलते हैं। और तुम्हें खेलना नहीं आता है? आता है आप चाहो तो हमारे साथ मैच लगा सकते हो। सुनो तुम्हारी ये जोकरों की टीम हमारे साथ मैच लगाएगी ये इन तीनों को कहाँ से पकड़ कर लाए? ये जोकरों की टीम नहीं हमारी टीम है आपकी टीम को हरा भी सकती है। सपनों में भी नहीं हरा सकती समझा? आयुष डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ कॉन्फिडेंटली बोलो। देखो रोहित जा रहा है उसे चैलेंज दो। हाँ डर गए क्या इसीलिए जा रहे हो? लिसन मैच खेलेंगे हम पर एक शर्त पर हम तुम्हारी टीम को जितने गोल मारकर हराएंगे तुम लोग उतने ही साल तक फुटबॉल नहीं खेल पाओगे और हम जो भी काम कहेंगे बस चुपचाप करते रहोगे। बोलो शर्त मंजूर है? शर्त मंजूर है। जो टीम भी पहले 4 गोल करेगी वो विनर होगी जो कि ऑब्वियसली हमारी टीम ही करेगी क्योंकि अगर फुल 1.5 घंटे की मैच खेलेंगे तो हम 400 गोल कर देंगे उतने तो किसी के पास साल भी नहीं होते। ठीक है मैच मैक्सिमम 4 गोल तक ही होगा और अगर हमने मार दिए तो रोज अपने साथ खिलाओगे।
थकेला, मुझे नहीं पता था इतनी आसानी से भी गोल हो सकता है। हमें बॉल को ज्यादा से ज्यादा अपने पोजीशन में रखना चाहिए। पास लेने के लिए कोई नहीं है, सामने फील्ड खाली है, मैं अकेला ही बढ़ता हूँ। ऐसे तो ये गोल कर देगा। तू क्यों बीच में आया? ओह सॉरी, गलती से हो गया। मैच में गलती की कीमत गोल होती है, समझे? कितनी जल्दी 3 गोल हो गए। अब 4th गोल होते ही हमारे 4 साल की सजा शुरू हो जाएगी। हम 4 साल तक इनसे खेलने की रिक्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इतनी आसानी से आपने गोल होने दिया, अब तो ऐसा ही होगा। अब उनकी तरफ से न तो आसानी से और न ही मुश्किल से कोई गोल होगा। हमें उन्हें हराना ही नहीं है, बल्कि उनका ये घमंड भी तोड़ना है कि फुटबॉल छोटे बच्चे नहीं खेल सकते। ओह, तभी आपने 3 गोल होने दिए, ताकि रोहित एंड टीम का घमंड अपनी पूरी हाइट पर पहुंच जाए। हाँ, घमंड और पाप का घड़ा पूरा भरने के बाद ही टूटते हैं, क्योंकि अब हम हमारा मैजिक जगाएंगे। लगता है फुटबॉल की हवा कम हो गई है, इसलिए बॉस ने बॉल को खुली हवा खाने के लिए आसमान में भेज दिया है। ये क्या हुआ? 4th गोल हो गया मैच का। तुम्हें यही चाहिए था ना? येलो बॉल। ये क्या हो रहा है? सुपर पावर है या कोई मैजिक है? इसे फुटबॉल का लेग स्पिन कहते हैं। फील्ड के किसी भी कोने से हम इनको बॉल को आगे लेकर जाने नहीं देंगे। तुम इसे फील्ड में घेर सकते हो, हवा में कैसे घेरोगे? ये क्या हो रहा है? मैच अभी भी हम जीत सकते हैं, बस 1 गोल। गाइस कम ऑन। बॉस कुछ करो। ये तो अपना गोलकीपर है। ये क्या किया? तुम दोनों लेफ्ट एंड राइट ऑफ डी खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें लॉन्ग पास देता हूँ, तुम हेडर से गोल कर देना। ये गोल होना चाहिए।
आई एम सॉरी आयुष, हमने तुम्हारी टीम को बच्चों की टीम समझा, जबकि रियलिटी ये है तुम्हारे टैलेंट के सामने हम बच्चे हैं। सॉरी, मैंने आपको भी जोकर बोला। वैसे आप है कौन? हम फ्रेंडली भूत थकेला पकेला हैं और ये हमारे बॉस हैं, भूत बॉस। रोहित चिंता मत करो, तुम हारे नहीं हराए गए हो, क्योंकि ये जरूरी था, लेकिन ये बच्चे इससे भी अच्छा खेलेंगे अगर उन्हें मौका मिले। अगर हम इन्हें खिलाएंगे ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो वो बेहतर कैसे बनेंगे? आई एम सॉरी भूत बॉस, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम हमेशा अपने से छोटों का ध्यान रखेंगे। और आयुष ये बता, तूने ये बाइसिकल रिवर्स किक कैसे लगाई? थकेला पकेला, ये मैच तो हो गया। अब मेरे सोने के मैच का क्या अरेंजमेंट है? बस खटारा गाड़ियों का जो कबाड़ी मार्केट है, तो उसमें 11 सेंचुरी का एक रथ टूटा पड़ा है। आज रात वहीं पर आपका बिस्तर लगा है। चलो, वैसे भी नींद और भूत कभी भी आ सकते हैं।